रात ढलती थी तो तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार शुरू करता था, लेकिन तुम मसरूफ़ रहती थी, बहुत मसरूफ़। मोबाइल हाथ में रखे तुम्हारा इंतज़ार करता था, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा कोई मैसेज आए और मुझे पता ही ना चले। बार बार तुम्हारा लास्ट सीन देखता रहता था। कभी तो ऐसा भी होता था तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आता था और मैं तुम्हारी चैट खोल कर बैठा रहता था, और कभी जब आधी रात को 2:30 बजे तुम्हारा मैसेज आता और मैं फौरन जवाब देता तो तुम पूछती थी, अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं? उस वक्त मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुमसे झूठ बोलता था कि सोया हुआ था। तुम्हारे मैसेज से मोबाइल वाइब्रेट हुआ और मेरी आंख खुल गई और तुम कहती थी, चलो फिर से सो जाओ। उन आंखों में नींद कहाँ थी, सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार होता था। तब मैं तुमसे कहता था, अब आंख खुल गई है, चलो बात ही कर लेते हैं, और फिर हम बात करते थे। पता है तुम्हें कितने मिनट? 7-8 मिनट बस। तुम मैसेज करते करते नींद की वादी में चली जाती थी, मुझे ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार देकर। मैं फजर तक तुम्हारा इंतज़ार करता था और फजर पढ़े बगैर ही सो जाता था। तुम मुझे कहती थी ना वक्त बदल गया है, और मैं भी, हाँ शायद सब कुछ बदल गया है, हाँ शायद सब कुछ बदल गया है, लेकिन नहीं बदली तो बस एक मेरी मोहब्बत नहीं बदली, एक नहीं बदली तो बस मेरी मोहब्बत नहीं बदली। अब मैं फजर तक नहीं जागता, फजर के टाइम उठता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता। फजर की नमाज के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और सोचता हूँ, तुम कितनी बख्तों वाली हो, तुम सोई हुई हो और कोई तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है। तुम मेरी ज़िंदगी का वो खसारा हो जो पूरी ज़िंदगी मेरी कमर सीधी नहीं होने देगा, खुशबू सीधी नहीं होने देगा। फिर बरसने क्यों लगे आंखें बादल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह।